नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सीहोर में 1.25 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित रेलवे स्टेशन भवन का लोकार्पण करने पहुंची सांसद प्रज्ञा ठाकुर आज जमकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर बरसी। प्रज्ञा ठाकुर ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरे पीएम पद के उम्मीदवार राहुल गांधी की विदेश यात्रा में अंतर बताते हुए कहा कि एक और देश के पीएम नरेंद्र मोदी 18-18 घंटे काम करके देश को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीएम के उम्मीदवार राहुल गांधी नेपाल में पब के अंदर दारू का गिलास हाथ में थाम कर चीन की महिला जासूस से मिलते हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा देश के लिए संकट है। हनुमान चालीसा विवाद पर कहा कि सभी को आराधना करने की स्वतंत्रता है, पर आराधना चिल्ला चिल्ला कर नहीं होती है। हनुमान चालीसा का पाठ इसी क्रिया की प्रतिक्रिया है। राजस्थान सरकार ने प्राचीन मंदिर तोड़ दिए, दम हो तो मजार को हाथ लगाकर बताएं, औकात समझ आ जाएगी। कांग्रेस का डीएनए ही खराब है। देखिए, ये तो जनता के विचार करने का विषय है कि एक व्यक्ति है जो अपना पूरा जीवन देश को दिया है, एक व्यक्ति है जो 18 घंटे 19 घंटे काम करता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 18-19 घंटे काम करते हैं और बाकी के थोड़ी सी निद्रा लेकर के और अपने को तैयार देश के लिए करके विदेशों में यात्रा करके उन्होंने जो अपनी विदेश नीति मजबूत की है, उससे भारत हमारा विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने के लिए तत्पर है। और विदेशों में जो भारत की स्थिति बनी है, जो सुदृढ़ हुई है, उससे बाकी अन्य देश सभी विश्व भारत की ओर देखने लगा है। और वहीं एक दूसरी विपक्ष पार्टी का नेता, वो नेता जिसको लोग प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे कांग्रेसी लोग, आज उसका देख लीजिए कि वो किस प्रकार से पब में दारू के ग्लास लेकर के और महिलाओं के साथ, और वो भी उनका व्यक्तिगत जीवन हो सकता है महिलाओं के बारे में, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि आप देखिए कि वो चीन की राजदूत है। चीन की जो महिला है, जो जिसको जासूस कहा गया, ये वो महिला है जिसके एक रिकॉर्ड गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए घात है। और इस प्रकार से राहुल गांधी का स्पष्ट नाम लेकर के कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा था आतंकवादी, तो मैं कहती हूँ कि आतंक देशभक्त कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, जो भारत में जन्मा है, भारत का रहने वाला, और मेरी शुद्ध माता और पिता भारत के ही है, इसलिए मैं तो कभी देश के साथ घात नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने तब भी मुझे, कांग्रेसियों ने आतंकवादी कहा, राहुल गांधी ने स्पष्ट मुझे आतंकवादी कहा। लेकिन ये जो सदैव ये चीन की तारीफ करते रहते हैं, और जो इनका चरित्र कल देखा गया है किसी महिला के साथ, और वो भी चीन की महिला के साथ, वो भी जासूस के साथ, निश्चित रूप से ये देश के लिए संकट है, घातक है। और अब इनको क्या कहना चाहिए, ये जनता स्वयं जवाब देगी। सर, दीदी, जिस तरह से महाराष्ट्र में हनुमान, देखिए ऐसा है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लगातार ये कहा जा रहा था कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं।